नामांकन पत्र भरने की आज आखिरी तारीख समाप्त हुआ समय। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें एक सीट जिला मुजफ्फरनगर में आती है जो मीरापुर विधानसभा 16 है। मुजफ्फरनगर कचहरी में चुनाव नामांकन की आज आखिरी तारीख थी, जो सभी पार्टियों व सभी चुनावों में पार्टिसिपेट करने वाले प्रत्याशियों के लिए पहले से बता दी गई थी। आज लगभग 34 नामांकन भरे गए हैं, जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय लोकदल एनडीए गठबंधन प्रत्याशी मिथिलेश पाल का भी है। अब यह देखा गया है कि प्रत्याशियों की तरफ से एक एक ने चार चार नामांकन भरे हैं, जो कि लगभग संख्या 34 नामांकन पत्र हुए हैं। बीजेपी राष्ट्रीय लोकदल एनडीए गठबंधन प्रत्याशी मिथिलेश पाल के साथ में नामांकन स्थल पर राष्ट्रीय लोकदल व भाजपा के मंत्री सोमेंद्र तोमर, कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, सांसद चंदन चौहान, लोकदल जिला अध्यक्ष संदीप मलिक, विधायक प्रसन्न चौधरी व सैकड़ों पार्टी के कार्यकर्ता आदि लोग मौजूद रहे। आसिफ फरीदी, ब्यूरो चीफ, मुजफ्फरनगर। आप देख रहे हैं वंदे भारत टीवी, आसिफ फरीदी के साथ। आज हम लेकर आपको जनपद मुजफ्फरनगर में, यहाँ पर देखा जाए तो कचहरी है और कचहरी का ये एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर नामांकन स्थल है, यहाँ पर आज नामांकन भरे गए। अभी हमने अधिकारी से बात की, उनका कहना है कि लगभग 34 नामांकन किए गए हैं आज, और आज लास्ट डेट थी 3 बजे तक का इनका समय था। इसके बाद जी आज नामांकन किया है जी, किस तरह से तैयारी रहेगी? आज हमने 2024 आज राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा की साझा प्रत्याशी मैंने मुरापुर पर 2024 अरे आज थोड़ा सा गले में थोड़ा आज जो है मीरापुर विधानसभा में का जो चुनाव है, मीरापुर 16 मीरापुर, और आज जो नामांकन किया है इस नामांकन में साझा कैंडिडेट हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे जो चौधरी चरण सिंह की जो भावनाएं थी, जो इच्छाएं थी, वो चाहते थे कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, तो उस बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने इस महिला को, बैकवर्ड की महिला को आगे बढ़ाने का काम किया है, और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ उनका। मैं प्रदेश के अपने सीएम साहब का, योगी आदित्यनाथ जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्हें इस अति पिछड़े समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। ज्योति बापूले जी जो महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते थे, वो सब आज आपको दिखाई दे रहा है। 10 सीटें हैं, 10 सीटों में से एक सीट ये लोकदल की एक सीट मिली है, लेकिन लोकदल का इतना बड़ा गुर्दा है, उन्होंने महिला को, बैकवर्ड की महिला को और बीजेपी की कैंडिडेट को आगे बढ़ा जी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जी तो जी आज 2009 का जो इतिहास था आज वो दोबारा दोहराया जा रहा है, तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शीर्ष नेता हैं सभी का इसमें सहयोग रहा है, क्योंकि मुझे तो मायूस हो चुकी थी कि मुझे टिकट नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर और बड़े से बड़े शीर्ष नेता का इसमें योगदान रहा है, मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं ऐसे ये चाहती हूँ कि मैं सबका दिल जीत कर, सबके चहती बनकर, बहन बनकर, बेटी बनकर काम करना चाहती हूँ। राष्ट्रीय लोकदल के खाते में एक सीट आई थी, वो भी भाजपा को दे दी, वो भी आपको दे दी? नहीं, भाजपा को नहीं दी भाई, नेता तो भाजपा टिकट में भाजपा से ही मांग रहे थे। कोई बात नहीं, पूछ लेते, पूछो आगे। मेरी यही रणनीति रहेगी जो 2009 से 12 तक रही है कि मैं जनता के बीच में रहकर जनता के काम करना चाहती हूँ। हाँ, कोई, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई नाराज नहीं है, कोई भी दरघात नहीं है, सब मेरे साथ है। हाँ, सब यहाँ अरुज भाई है, ये भी टिकट मांग रहे थे, उसी विधानसभा के हैं, तो ये भी टिकट मांग रहे थे। मेजर साहब मांग रहे थे, तो वो भी यही है, और बाकी संदीप मलिक जी हैं, ये भी मांग रहे थे। ये तो दमदारी से चुनाव लड़ाना चाहते हैं और चुनाव लड़ाएंगे। नहीं नहीं, सब है बाहर, पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में।